अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अपने हाजरीन के लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेके आया हूँ कि जो बहुत ही नयाब और बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान है। अक्सर औरतें परेशान रहती हैं कि हमारे बाल जो हैं वो खुश्क रहते हैं, या उस बालों में खुश्की रहती है, या बालों में रूखापन रहता है, या बाल बिल्कुल साफ नहीं रहते, गंदगी रहती है बालों में, मिट्टी रहती है और बालों में चमक नहीं है, बाल बहुत ख़राब हैं, बाल झड़ते बहुत हैं, बाल उतरते बहुत हैं। और अक्सर हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं या स्टूडेंट वगैरह जो कॉलेज स्कूल में जाती हैं या यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उन्हें शौक होता है कि बालों को बढ़ाया जाए, बालों को खूबसूरत रखा जाए। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए मैं एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ। गुले गुरहल के ताज़ा फूल ले लें, गुले गुरहल के ताज़ा फूल ले लें आप, और रोगने कुंजद जो है ये आप ले लें। गुले गुरहल के जो फूल हैं वो आपने 100 अदद लेने हैं। गुले गुरहल के जो फूल हैं वो 100 अदद आपने लेने हैं, और रोगने कुंजद जो है वो आपने आधा किलो लेना। आपने क्या करना है कि गुले गुरहल के फूलों का आपने रस निकाल लेना है या अर्क निकाल लेना है उनका, और जब आप उनसे अर्क निकाल लें तो रोगने कुंजद में वो अर्क आप डाल दें, और किसी मिट्टी के बर्तन में जो रोगन वाली मिट्टी हो उसमें आपने इस गुले गुरहल के पानी को रोगने कुंजद में खुश्क करना है। जब पानी आप खुश्क कर लेंगे, वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जब पानी तेल के अंदर होगा तो उसमें आवाज़ आएगी, और जैसे ही ये आवाज़ ख़त्म होगी तो समझ लें कि आपका जो तेल है वो तैयार हो गया। आपने क्या करना है, उस तेल को जब नीचे पानी उसका खुश्क हो जाए, पानी खुश्क होने के बाद तेल को आपने नीचे उतार लेना। वो हांडी जो रोगनी हांडी मिट्टी वाली है जिसमें आपने ये तैयार किया है, आप इसको ठंडा होने के लिए आप छोड़ दें। आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटे तक ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने मलमल का कपड़ा लेना है, इसको अच्छी तरह आपने पुन लेना है। पुनने के बाद इसका फोक अच्छी तरह निचोड़ लेना है। जब निचोड़ लिया जाए तो इसी कपड़े को आपने फिर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपने फिर इस तेल को नतार लेना है। जब इस तेल को नतार लेंगे तो ये आपका तेल तैयार हो जाएगा। ऐसी औरतें जिनके बाल झड़ते हों उनके लिए भी ये तेल बहुत मुफीद है, और ऐसी औरतें, बच्चे, बच्चियां, छोटी बड़ी, जिनके बाल छोटे हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, और जो ये चाहती हैं कि हमारे बालों में चमक आ जाए, हमारे बालों में खुश्की ख़त्म हो जाए, हमारे बाल जो उखड़े उखड़े नज़र आते हैं, गंदे गंदे नज़र आते हैं, वो भी अच्छी तरह खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाए, और ऐसा यानी कि मालूम हो कर जैसे हमने ब्यूटी पार्लर से ड्राई कराए हुए हैं, तो वो ये तेल लगाना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह ताला दिनों में ही उनके बालों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और उनमें खूबसूरती आ जाएगी और चमक आ जाएगी। और ऐसी औरतें जिनके बाल भरते नहीं हैं तो वो भी इस तेल को लगाएं। ये एक ज़बरदस्त ऑयल है, शायद ही आपको यूट्यूब पे ये मिले,
मुझे तो यकीन है कि पूरे YouTube पर यह नुस्खा नहीं है, क्योंकि ये दरवेशों का नुस्खा है। तो आप इसको एक दफ़ा एक मर्तबा ज़रूर बनाएं, बहुत ही कामयाब, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कीमती ये नुस्खा है। इसका लगाने का तरीका ये है कि जब आपने रात को सोना है, सोने से पहले आपने इस तेल को लगाना है, जहाँ जहाँ पे खुश्की है जड़ों में आपने इस तेल को लगाना है। लगाने के बाद आपने ओटों के साथ इसका मसाज करना है। जब मसाज कर लिया आपने, तो मसाज करने के बाद आपने कोई ऐसा रेशमी कपड़ा आपने सर के ऊपर बांध के सो जाना है। सुबह जब आपने उठना है तो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, आपने किसी अच्छे से साबुन के साथ बालों को धोना है और धूप में खुशक करना है। बालों को झाड़ना नहीं है, बालों को साफ नहीं करना, बालों को तौलिए के साथ आपने खुशक नहीं करना। जैसे ही गुसल करके आप बाहर निकलें, आपने सिर्फ कपड़ा ऊपर बांध लेना है ताकि पानी जज़ब हो जाए। उसके बाद बालों को खुला छोड़ देना है और धूप में बैठ जाना है। धूप में इन बालों को, अपने बालों को खुशक करना है। तो जैसे ही 5-6 दिन गुजरेंगे, तो 5-6 दिनों के बाद आप खुद ही देख लेंगे कि आपके बालों में चमक आ गई है, एक अजीब सी ताकत आ गई है। तो इसके लिए जो परहेज़ है वो भी आप नोट फरमा लें कि इन बालों को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि सुबह को आपने नारियल और बादाम और अखरोट, ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। नारियल का आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और बादाम की 7 गिरियाँ लेनी है और 1 अखरोट लेना है। 1 गिलास दूध के साथ आपने ये ले लेना है, यही आपका नाश्ता है। और 12 बजे या 10 बजे अगर आपको भूख लगे तो जौ का दलिया आपने इस्तेमाल करना है। जौ के दलिए में आपने देसी घी डालना है और छोटी चम्मच का 1/3 हिस्सा हल्दी का डालना है। तो ये आप इस्तेमाल करें। और ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल आपने नहीं करना, चावल आपने बिल्कुल नहीं खाने। ये आपका परहेज़ है, इस परहेज़ के साथ आप ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको शिफा अता फरमाएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।